प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम वेक्टर में, वेक्टरों के जोड़ में हम आर का परिमाण निकाल रहे थे। उसकी दिशा निकालने से पहले हमारा वीडियो ऑफ हो गया, तो आज हम वेक्टर आर की दिशा निकालने वाला कार्य करते हैं। ये आपका वेक्टर ए था और इस प्रकार से वेक्टर बी था और ये कोण थीटा था, और हमने यहाँ से M N O और P इस प्रकार से इसके नाम रखे थे। ये A था, ये B था, ये R है, जिसे हम A प्लस B भी कह सकते हैं। तो मैंने कल बताया था कि इस R का जो मान होगा वो होता है, कल हमने निकाला था R बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर 2ab cos थीटा। R, इस जो R की लंबाई है, R का मान माने R की लंबाई। मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो OP है, OP अगर ये B है तो ये लंब है, तो लंब हमेशा sin में होता है, B sin थीटा। और जो NP है, ये इस वाले त्रिभुज में आधार है, तो आधार हमेशा कॉस में होता है, बी कॉस। अब मैंने आपको कहा था हमारी जो आर जो है यहाँ पर ए और बी का जोड़ है, ये खाली प्रतीक स्वरूप है, प्रतीक है, प्रतीक स्वरूप, और ये जो है इसका चित्र है। यानी कि हम ये समीकरण बनाएंगे तो सही, लेकिन इसका आंसर कि आर होगा कितना, इस समीकरण में मान नहीं रखेंगे, बल्कि हम इस चित्र के ही अनुसार, क्योंकि ये वेक्टर है, यहाँ पर हम आज बोल रहे हैं आर की दिशा। इस टॉपिक का नाम आप लिख लीजिए, आर की दिशा। अब R की दिशा आप A से भी बता सकते हो, R की दिशा आप B से भी बता सकते हो, क्योंकि A और B हमको दिए गए हैं, तो जो चीज दी होती है वो हमारे को ज्ञात होती है। तो अगर आप R की दिशा, क्योंकि हमको हमको R जो है, R हमने खुद निकाला है, और R क्या है, A और B का जोड़। यानी कि हमने A और B का जोड़ एक नया सदिश, A को एक सदिश है, B एक सदिश है, इन दोनों को जोड़ के R हमने एक नया सदिश निकाला है, जिसका परिमाण हमने ये सिद्ध किया कि R जो है इतना होता है। और ये कैसे निकाला हमने, सिंपल ट्रायंगल लेके, त्रिभुज को लेकर के। अब हम इस R की दिशा बताना चाहते हैं, क्योंकि हमने खुद निकाला तो दिशा भी हमें ही बतानी पड़ेगी। तो R की दिशा हम A से भी बता सकते हैं, R की दिशा हम B से भी बता सकते हैं। तो पहले R की दिशा A से बताना है, तो दिशा बताने का माने एंगल। मान लिया R A से, माना R A से अल्फा कोण बनाता है, माना R A से अल्फा कोण बनाता है, तब tan अल्फा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ये समकोण त्रिभुज देखिए, समकोण त्रिभुज O M P में, ओ एम पी में, हो सकता है ये त्रिभुज मैंने कल जो बताया था वैसे ही हो, या हो सकता है कुछ अलग हो, तो आप इसके नाम उसी हिसाब से चेंज करके यहाँ पर भी वैसे ही लिख लीजिएगा। तो टेन अल्फा बराबर बच्चों लंब बटे आधार, लंब हो गया ओ पी, बटे आधार हो गया एम एन प्लस एन पी, एम एन प्लस एन पी, और OP बराबर होता है B sin थीटा अपॉन MN है A प्लस B cos थीटा। तो इस समीकरण का प्रयोग करके tan अल्फा बराबर B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, इस समीकरण का प्रयोग करके आप इस अल्फा को निकाल लेंगे, और अल्फा निकल गया तो आपका R की ए से डायरेक्शन पता लगी। अब इस सूत्र को, इस समीकरण से, ये प्रतीक समीकरण है,
और ये एंगल है, देखिए आर का ए से एंगल देख रहे हैं अल्फा, तो बी ऊपर देखिए आर और ए, इसमें तीन चीजें हैं, एक तो आर है, ए है, एक बी है। तो ए से एंगल देख रहे हैं, मान लिया आर का ए से एंगल अल्फा है, तो ऊपर क्या है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसी प्रकार से आर और बी का एंगल अगर बीटा ले लूं, आर और बी के बीच में बीटा, तो आप इसी तरीके से क्या ये नहीं बता सकते कि टेन बीटा बराबर, जब आर और बी लिया तो ए, ए ऊपर आएगा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। चलिए हमने लिख तो जो है एक मैचिंग बनाते हुए लिख लिया कि जब आर का ए से कोण हम देख रहे थे, आर का ए से एंगल देखा तो ऊपर बी आया, बी साइन थीटा, देखिए बी के साथ साइन थीटा, बी के साथ कॉस थीटा भी आया। अब आर का बी से अगर एंगल बीटा है तो ए ऊपर देखिए ए साइन थीटा प्लस बी अपॉन ए कॉस थीटा, लेकिन आखिर ये बीटा एंगल होगा कौन सा, ये है हमारा आर, दिस इज आर एंड दिस इज बी, ये है बी, ये आर, तो ये वाला एंगल बीटा है, तो क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी बीटा होगा, तो चित्र में जो बीटा हम यहाँ निकाल रहे हैं वो ये बीटा है। तो इस तरीके से बच्चों हम आर की दिशा भी बता सकते हैं। चलिए एक आध एग्जाम्पल से इसको मैं और स्पष्ट करता हूँ किस प्रकार से हम दो वेक्टर्स की उदाहरण, किसी कण पर बल F1 20 न्यूटन पूर्व की दिशा में है तथा F2 10 न्यूटन पूर्व से 30 डिग्री उत्तर को है। कण पर कुल बल का परिमाण व दिशा, किसी कण पर बल F1 20 न्यूटन पूर्व दिशा में तथा F2 10 न्यूटन पूर्व दिशा से 30 अंश उत्तर को है, कण पर कुल बल का परिमाण व दिशा बताना है। कण पर चलिए हम इसके लिए पहले हमने ये पूर्व मान लेते हैं, ये उत्तर हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। तो कण पर, कण है ये, इस पर एक बल पूरब की ओर लगा है। तो बच्चों देखो जब हम वेक्टर दिखाते हैं तो कैसे दिखाएंगे, जिस पर लगाया उस पर वेक्टर की पूंछ रखेंगे, यानी कि F1 बल पूरब की ओर है तो F1 बल इधर को होगा, और इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 20 है तो 20 के हिसाब से होगी, यानी कि F1, अभी ध्यान रखना है हमें कि 20 न्यूटन का है, F1 का जो परिमाण है वो 20 न्यूटन है और पूरब को है, और F2 जो है ये उत्तर है हमारा, तो F2 जो है पूरब से 30 अंश उत्तर को है, तो इससे 30 अंश यानी कि ऐसे, और ये 10 न्यूटन का है, तो जितना ये है इसका ठीक आधा हम बना लेते हैं, ये 10 न्यूटन है, ये आपका F2 का परिमाण है, और आपको पता है कि परिमाण को हम इन दो लाइनों के बीच में दिखाते हैं। अब हमें कुल बल बताना है कि
त्रिभुज नियम लगा देते हैं। कुल बल जो है बच्चों कैसे निकलेगा देखो, कुल बल की दिशा और सब कुछ बताना। तो कुल बल मान लिया एल एफ है, कुल बल एफ बराबर एफ वन धन एफ टू, जुड़ जाएंगे कुल बल। लेकिन इसमें नहीं रखेंगे, एफ वन की जगह 20 और एफ टू की जगह 10 और कुल मिला के 30 अगर आपने लिख दिया तो इसका मैंने आपको वेक्टर नहीं आया। अब आप क्या करेंगे, पहले एफ वन को खींचेंगे, ये हमने एफ वन खींच दिया, फिर इसके हेड से ये 30 डिग्री है, फिर इसके हेड से 30 डिग्री ये एफ टू हमने खींच दिया, तो आपका जो एफ है वो ये होगा आपका एफ। चित्र हमने दिखा दिया, अब एफ की वैल्यू निकालते हैं। आपको याद है अभी हमने सूत्र निकाला था, एफ वन का स्क्वायर, एफ वन कितना है 20 का स्क्वायर होता है एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस 30। इससे एफ का वैल्यू निकलेगा, इस समीकरण से नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा। एफ वन बराबर 20 का स्क्वायर 400, एफ टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस टू इंटू 20 इंटू 10 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो एफ बराबर आ गया 400 × 500 प्लस यहाँ 400 दो से भागा दे देंगे तो 200√3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसमें से 100 हम कॉमन ले लें अगर, तो यहाँ रहेगा 5, यहाँ हो जाएगा 2√3 और 100 का √ बच्चों बाहर आके 10 हो जाता है, 5 + 2√3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, √ इसका निकाल लीजिए, तो इतने न्यूटन का तो हो जाएगा एफ जो भी यहाँ आएगी वैल्यू। और दिशा एफ की दिशा एफ वन से बता देते हैं, मान लो ये अल्फा कोण है तो टेन अल्फा बराबर एफ वन से बता दो, एफ टू माने 10, एफ टू sin θ sin 30 बटे f1 + f2 cos 30। तो टेन अल्फा f2 हमारा 10 sin 30 होता है 1/2 बटे 20 + 10 cos 30 होता है √3/2। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो टेन अल्फा बराबर ये तो आ गया 5 ऊपर और नीचे हो गया 20 + 5√3। इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा, 5 कॉमन आ जाएंगे, 5 यहाँ भी है, 5 इसमें भी है, 5 इधर कट जाएंगे, 1/5 इसमें 5 ले लेंगे तो 4 बचेगा, 4 + √3 √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो टेन अल्फा बराबर आ गया 1/1.732, इसमें जुड़ेगा तो 5.732, ये आ गया टेन अल्फा का मान। तो अल्फा तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये टेन जब इस साइड जाएगा 1/5.732, ये इसका एंगल आ गया। अगर मान लिया टेन, अगर ये 1 होता, टेन अल्फा 1 कब होता, जब अल्फा 45 होता, तो आंसर हम लिखते 45। लेकिन ये फ्रैक्शन में आ रहा है जो कि हम निकाल नहीं पा रहे हैं आसानी से इसका एंगल, हमें पता नहीं कि किस अल्फा के लिए टेन का मान इतना होता है, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसका माने आपका जो बल है वो इतने न्यूटन का है कुल, इस कण पर कुल बल इतने न्यूटन का है, और ये निश्चित रूप से इन दोनों के बीच में कहीं होगा, 30 से कम आएगा इसकी वैल्यू। तो इस प्रकार से हम इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते, डायरेक्शन यहाँ पर आ रही थी, यानी कि देखिए इसका एंगल ज़्यादा है, ये एंगल कम है, यानी कि कहीं ऐसे बीच में इस प्रकार से एफ की डायरेक्शन आएगी।
तो इस प्रकार से बच्चों हम दो वेक्टरों का परिणामी वेक्टर इस प्रकार से निकालते हैं। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, और ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर बुक में है तो आप कर लीजिए।